आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने कल बताया था कि मिथुन राशि वाले क्या चाहते हैं और इनसे कैसे संबंधों का निर्वाह करना चाहिए, नहीं तो धोखा होता है। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर किसी का प्रेमी या पति या किसी की प्रेमिका या पत्नी वृश्चिक राशि की है तो आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि वाले धोखा देने में सबसे आगे होते हैं। आमतौर पर ये यौन संबंधों को बनाने में यकीन रखते हैं, जिसे हम सेक्सुअल रिलेशन कहते हैं। भावनाओं से यानी सेंटिमेंट से इनका संबंध कम होता है। अब कोई वृश्चिक राशि वाला हो और उसकी प्रेमिका अत्यंत संवेदनशील हो, भावुक हो, उससे प्यार की उम्मीद करे और वो सोचे कि जैसा मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ और सामने वाला वृश्चिक राशि वाला भी वैसा ही करे, तो उसे धोखा हो सकता है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले फ्लर्टिंग और सेक्सुअल रिलेशन बनाने में विश्वास रखते हैं। अगर इनका पार्टनर इनकी इच्छा को पूरी नहीं करता है तो ये उसे धोखा दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इन्हें बांध कर रखने के लिए इनके लाइफ पार्टनर को कुछ उसी तरह की मानसिकता रखनी होगी, तभी ये बांध कर इन्हें रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि किसी का लाइफ पार्टनर स्कॉर्पियन हो, वृश्चिक राशि का हो, तो उसकी एक फोटो माता दुर्गा के चरणों में रख दीजिए और उस फोटो को निहार कर एक बार आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि माँ, ये मेरा जीवन साथी है अथवा ये मेरी जीवन संगिनी है, इसके मस्तिष्क में मेरे लिए वफा, प्यार, मोहब्बत और भावना ज़रूर भरते रहिए। आप एक बार भी माता के प्रति विश्वास करके इस बात को कहेंगी तो कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वाला या वाली जो लाइफ पार्टनर होगा या होगी, उसके मन में आपके लिए एक मधुर भावना ज़रूर होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है तो आप सलाह ले सकते हैं। समाज सेवा हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि संसार में कोई दुखी ना हो। हालांकि यह संभव नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है और दुख सुख तो लगा रहता है, किंतु जहाँ तक हो सकेगा जो भी हमारे संपर्क में रहेंगे उनकी सहायता तो हम ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ मैं उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इतना ही कहूँगा
कि आपकी समस्याओं में हम आपके साथ हैं, और साथ ही साथ मैंने जो तरीका बताया है वो ज़रूर कीजिए। ख़ास करके उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिनका लाइफ पार्टनर स्कॉर्पियन है। अगली वीडियो में अगली राशि के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।